بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. हम इतना तवील रास्ता तय करके जाएंगे जबकि मैं जानता हूँ जाना बेकार है। अगले चंद रोज में तो ये रोटी भी खाने को मैं ऐसा नहीं आएगी। रास्ते के खतरात के बारे में भी सोचा है? खूंखार वहशी दरिंदों और राजानों से भी वास्ता पड़ सकता है। आप लोग सब 11 भाई हैं, सबके सब निडर और बहादुर, फिर डर और खौफ कैसा? मैं आपके लिए सामान्य सफर और कुछ ज्यादा राह का इंतजाम करती हूँ।
अगर तुम लोगों का ख्याल ना होता तो मैं कभी ना जाता। अपनी माँ का ख्याल रखना, अब घर की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। हम अब बड़े हो गए हैं बाबा, क्या हम आपके साथ नहीं जा सकते? नहीं बेटा, हम भाइयों ने तय किया है कि हम में से कोई भी अपने बेटों को साथ नहीं लेके जाएगा। और वैसे भी अभी तुम लोग कम उम्र और ना तजुर्बेकार हो, और सफर के खतरा से नाशना, तवील सफर के लिए तजुर्बे का होना नहायत जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने सुना है कि राजन घात लगाए बैठते हैं और कारवां वालों पर हमला करते हैं। 11 बरोमंद भाइयों पर हमला करने की किस में जरूरत होगी? और फिर किनान के दीगर अफराद भी इस सफर में हम लोगों के साथ होंगे। अहद, जरशू, कहार, देखो घर और जानवरों की तरफ से मैं बेफिक्र हो जाऊँ ना, मैं तुम लोगों के भरोसे पर इस सफर पर जा रहा हूँ। मैं आपका सम्मानित सफर अमादा कर देती हूँ। सिपास गुजार हूँ। ये चंद रोटियां हैं रास्ते के लिए, और घर में कुछ नहीं है। यही काफी है। वो सिक्के संभाल के रख लिए है ना आपने? परेशान मत हो, वो बिल्कुल महफूज है। हालांकि मैं इस सफर से ज्यादा पुर उम्मीद नहीं हूँ। रूबीन, ये जानवर हमारे सफर के लिए काफी होंगे ना? हाँ हाँ, काफी तो होने चाहिए। जाते वक्त उन पर सवार हो जाएंगे और वापसी पर गंदुम ला देंगे। गंदुम मयसर आ जाए तब ला देंगे ना। हम भी आपके साथ चलेंगे, सफर पर जाने के लिए काफी अफराद जमा हो गए हैं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम तादाद में जितने ज्यादा होंगे खतरे का इम्कान कम होगा। इस सफर के तमाम खतरों के बावजूद मुझे यकीन है कि हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तवक्कल बरखुदा, बहरहाल हमें तो अपनी सी कोशिश करनी चाहिए। भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा। और बहन, तुम भी हमारे बीवी बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी। आप भाइयों के हमरा नहीं जाएंगे? जाना तो चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि बाबा इजाजत नहीं देंगे। आप बात तो करें, शायद इजाजत दे दें। देखता हूँ। सलाम सलाम बाबा, सलाम 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 नबी, सलाम सलाम बाबा। हम जाने के लिए तैयार हैं, आपकी इजाजत है। बाबा, क्या आप इजाजत देंगे कि मैं भी अपने भाइयों के हमरा चला जाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम यहीं मेरे पास रहो और अपने भाइयों की अदम मौजूदगी में तमाम खानदान वालों को संभालो। जैसा नबी खुदा मुनासिब समझें। आया नबी खुदा सफर के लिए हमारी कोई रहनुमाई नहीं फरमाएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस कहात के नताइज से काफी पुरुम्मीद हूँ, लिहाजा नसीहत करता हूँ कि सफर में पेश आने वाले वाकयात को खैर सलाह समझना, ना कि मुश्किलात और रुकावटें। हर वाकये में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है। हमारे हक में दुआ कीजिएगा बाबा। खुदा निगहदार हो हमारे लिए। दुआ निगहदार बिन्यामीन, फिर मिलेंगे। इत्मीनान रखिए, हम हालियात नहीं लौटेंगे। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। सब हरकत करेंगे, अपना ख्याल रखना। खुदावंदा, इन्हें कामयाब और सही सलामत लौटाना। आमीन।
बानो जुलेखा कहाँ, आप कहाँ जा रही हैं? सुना है कि यूजार सिर्फ सफर से वापस लौट रहा है, उसे देखने के लिए नील के साहिल तक जा रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आएगा भी? हाँ मुझे यकीन है, जल बदेर वो जरूर आएगा। देखा तुमने कितनी सादा और भोली है, गोया तुम्हारी तंजिया बातें उसे समझ ही में नहीं आई। लगता है अपनी अकल से हाथ धो बैठी है, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए एहतराम की कायल हूँ। दीवाने भी काबिल एहतराम हुआ करते हैं। हमेशा बच्चे और जवान यूजार सीफ से मुतालिक झूठी झूठी खबरों से उसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और उससे इनाम मिलते रहते हैं। इसके बावजूद कि अब उनकी तमाम शान शौकत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नाउमीद नहीं हुई है। यूजार सीफ की खबर सुनते ही उन्हें देखने के लिए चल पड़ती हैं। यूजार सीफ तो हर रोज किसी ना किसी शहर में होता है, उससे मिलना इतना आसान नहीं। क्या हुआ, ये आपका यूजार सिर्फ आया नहीं? मुंतजर हूँ, बिलाहर कभी तो आएगा, मेरा यूसुफ जरूर आएगा। आपको यकीन है? हाँ मुझे यकीन है वो आएगा। सूरज हमेशा तो बादलों में नहीं रहा करता। बस करें बानो, बस करें। क्या आपने सुना नहीं कि वो किसी एक शहर में नहीं ठहरते? आपकी आंखें यूसुफ के इंतजार में सफेद हो गई हैं, अब तो बस कर दें। जानती हूँ वो बेवफाई करता है। मेरा काम इंतजार करना है और यूसुफ का काम इंतजार करवाना। मैं यहाँ तब तक आती रहूंगी जब तक कि वो आ नहीं जाता। इस मुसलसल इंतजार से आप थकी नहीं? आखिर और कितना इंतजार करेंगी? तुम आशिक नहीं हो ना, मेरी तो पूरी जिंदगी इंतजार है। अगर इंतजार ना करूं तो किसके लिए जिंदा रहूं? ये इंतजार मुझे पूर्व उम्मीद रखता है, मेरी जिंदगी को एक मकसद देता है। यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ यही कहीं है, मैं उसकी बू महसूस कर रही हूँ। आपको वहम हो गया है बानू, यूसुफ यहाँ कहाँ से आए? नहीं नहीं मुझे पूरा यकीन है वो जरूर यही कहीं नजदीकी है। जरा गौर से देखो पागल दीवानी, भला यूजार सिर्फ यहाँ कहाँ से आए? माफ़ कर दीजिए बानो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, मैं बेख्तियार हो गई थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, गिला तो मुझे यूसुफ से है। अगर वो आ जाता तो ये लानत मलामत तो न सुननी पड़ती।
लेकिन वो आएगा। बिलाखिर एक रोज ये इंतजार खत्म होकर रहेगा। ये ज़मीन फ़िलहाल बंजर है, लेकिन जल्द ही कहत ख़त्म हो जाएगा। ये ज़मीन मिस्र के बहुत से गरीब काश्तकारों के लिए काफ़ी होगी। अब यह तमाम एराज़ी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। हमें इन सारी ज़मीनों को नादार काश्तकारों में तकसीम करना होगा, ताकि वो इस पर अपने लिए काश्त करें और हुकूमत को महसूल अदा करें। ये तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह तमाम ग़ुलाम साहिब ज़मीन हो जाएंगे। नहीं मालूम इस वक्त अहले किनान पर क्या बीत रही होगी, वो कहत में क्या कर रहे होंगे। काश मेरे बाबा और भाई यहां होते और वो इन वसी जमीनों पर काश्तकारी और गल्लाबानी करते। जब ये इतना बड़ा दरियाई नील इस तरह खुश्क हो गया है, तो जाहिर है कि किनान की हालत क्या होगी। सालारे कारवाने बाबिल, आपने ये गंदम कहां से हासिल की है? आप पर भी दुरूद हो, मिस्र से आए हैं, आप भी जाइए, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। क्या अभी काफी मसाफत बाकी है? वो मिस्र की हिफाजती चुंगियां नजर आ रही हैं, ज्यादा दूर नहीं है, करीब है। सिपाज गुजार हूँ, खुदा निगेदार। खुदा निगेदार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। अब तक तो बड़ी बेजारी से मिस्र आ रहे थे, अब क्या हो गया? अब तक कोई उम्मीद जो न थी। हवा बहुत सर्द है, आप बीमार हो जाएंगी। सर्दी का इलाज तो गर्म लिबास से किया जा सकता है, अगर आसमान से पत्थर भी बरसे तब भी मैं जरूर जाऊंगी। रुक जाइए, मौसम के बेहतर होते ही साथ चलेंगे। क्या गोशा नशीन हो जाना रस्म आशिकी है? उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इतने दिन बैठी, इंतजार किया, क्या हुआ,
क्या यूसुफ आए? आप इस मुसलसल इंतजार से थकी नहीं? आखिर तुम लोग समझती क्यों नहीं? हर रात यूसुफ की दीदार की उम्मीद में आंखें बंद करती हूँ और सुबह उसके दीदार की आस में उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इंतजार करने बैठ जाती हूँ। यूसुफ का इंतजार ही आप मेरा मकसद हयात है। मैं कभी भी मायूस होकर इंतजार करने से नहीं थकूंगी। अब सिर्फ यूसुफ का इंतजार ही तो मेरे पास रहेगा और तुम लोग मुझे से मना कर रही हो। अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे बानो। जहाँ जाना चाहती हैं जाए, आप दीवानी हो गई हैं, बिल्कुल दीवानी। अगर आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली है तो हम क्यों बर्बाद करें? चलो, मैं तो इतनी सर्दी में बाहर नहीं निकल सकती। इनके लिए अपना दिल जलाना बेकार है। क्या इस सर्दी में तुम्हारा कोई घर या ठिकाना नहीं है? कसर है ना महल की तरह कुशादा, कब्र की तरह तंग, जिंदान की तरह तारीख। घर है मेरा। जो भी है यहाँ से तो बेहतर होगा, यहाँ तो बीमार पड़ जाओगी। मैं किसी की मुंतजर हूँ, किसी ने बताया कि वो आएगा, अगर नहीं आया तो चली जाऊँ। चलो चले। क्या हुआ? तुम लोगों ने तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था ना। कोशिश तो बहुत की लेकिन हो ना सका। हमें आपकी आदत हो गई है बानो, बचपन से आँख खोलते ही सिर्फ आप ही को देखा है, आप ही की कसर में पले बड़े हैं। किसी और जगह से तो हम वाकिफ भी नहीं। मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी तन्हाइयों में मुखल मत हो। लेकिन हम आपको यूँ तन्हा तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम्हारे साथ जब होती हूँ तो तन्हा हो जाती हूँ, वरना हमेशा हर जगह यूसुफ मेरे पास होता है। तुम दोनों की आती वो मुझे छोड़कर चला जाता है। क्या इनका ये इश्क हवस पर मबनी है? क्या अब भी वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखती हैं? मुझे नहीं लगता। अब जुलेखा के पास बचा ही क्या है जो वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखें? वो जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही हैं उतनी ही दिल नशीन होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जुलेखा को भी पसंद करने लगी हूँ और इश्क जुलेखा को भी। नाम और पता वगैरह लिख कर दे दो। हम 10 भाई हैं। मैं लावी हूं, ये शमून, यहूदा, जाद, दान, जबूलू, यसाकिर, अशीर, निफ्ताली, रूबीन। हम सब फर्जंदान याकूब और किनान के रहने वाले हैं। तुम 10 अफराद भाई हो, तिब्स किस लिए आए हो? दूसरे लोग किस लिए आए हैं?
हम भी दूसरों की तरह। तुम्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम लोगों की मिस्र आने की वजह क्या है? हम गंदुम खरीदने के लिए मिस्र आए हैं। हमारी सरजमीन किनान भी कहत की जद में है। हमें बताएं अब हमें क्या करना होगा। हमें मामूर किया गया है कि अजनबी लोगों की मुकम्मल मालूमात हासिल करें। हमें मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों ने इससे कब यहाँ से गंदुम हासिल की है या नहीं। आया गंदुम के ताजिर हो या कहत ज़दा, अपने नाम पते और कुल तादाद लिखो। ये इतने सारे बहाने किस लिए? अगर गंदुम नहीं बेचना है तो इतना तंग क्यों कर रहे हो? ये यहाँ के कवानीन है, अगर कबूल नहीं है तो जा सकते हो। जहाँ कोई गंदुम नहीं है यहाँ। बस करो शमून, मैं आपसे माजा चाहता हूँ जनाब। अगर ये कवानीन सबके लिए हैं तो हम भी इनका एहतराम करेंगे। आप बताइए अब हमें क्या करना होगा। अपने तमाम कवायफ इस कागज पर दर्ज करें, वो हम जनाब युजार सिफ की खिदमत में पेश करेंगे, देखें वो क्या हुक्म देते हैं। तुम और तुम्हारे दीगर भाई मेरे हुक्म लाने तक यही दरवाजे के बाहर इंतजार करें। बहुत बेहतर जनाब, इसमें लड़ने झगड़ने की तो कुछ बात ही नहीं। हम यहाँ गंदुम लेने आए हैं या लड़ने झगड़ने? तुम लोगों की तो आदत हो गई फितना फसाद की। या नबी खुदा, दरवाजा सूर्या का निगहबान गुजारशात पेश करना चाहता है, क्या इजाजत है? हाँ, बुला लीजिए उसे। दुरूद बरारी जनाब युजार से। दुरूद खुदावंद हो तुम पर भी। हाँ कहो, क्या बात है? गुज़िश्त हफ्ते दरवाज़ा सूर्या से शहर तिप्स में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों की कुल तादाद 390 थी। सब ने एक एक बोरी गंदुम खरीदी और उसी दरवाजे से वापस चले गए। उन सब का ताल्लुक हमारे क़ुर्ब जवार के हमसाए ममालिक शामात वगैरह से था। बस और कोई ख़ास बात नहीं है। अलबत्ता आज 10 भाई जो अपने ताल्लुक केनान से बताते हैं, वारिद शहर होना चाहते हैं। केनान से 10 भाई? नाम नहीं पूछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब, उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए गए। वही है बनी इसराइल। क्या हुआ नबी खुदा, क्या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बानो, सिर्फ उन 10 भाइयों के नाम दर्ज थे। मालिक, उन्हें एहतराम के साथ कसर अखनातून ले जाइए। आपको खुदा का वास्ता, कुछ तो बताएं। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि वादे खुदाबंदी की तकमीलियत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें। इतने तवील अरसे बाद? इरादा खुदाबंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अरसे दूर रहें। बस मेरा आपसे ये तकाजा है कि यहाँ मेरे भाइयों की मौजूदगी का किसी को इल्म न होने पाए। खुदाया से पास गुजार हूँ। है? ये हैं। क्या आप लोग किनानी हैं? जी हाँ, हम सब किनान से आए हैं। आप लोग तो 10 अफराद से ज्यादा हैं। मुझे तो बताया गया था कि 10 किनानी भाई हैं। बस हम 10 भाई हैं, बाकी सब काफले वाले हैं। मैं अजीज मिस्र की जानिब से आया हूँ। अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ हुई हो या इंतजार की जहमत उठानी पड़ी हो तो हम माजरत चाहते हैं। आप 10 भाई तिप्स में दाखिल हो सकते हैं। मुझे हुक्म मिला है कि आप लोगों को अजीज मिस्र के कस्र ले जाऊं। और बाकी कुनानियों का क्या होगा? बाकी सब लोग गंदुम की वसूली के लिए जा सकते हैं। आप सब भाई मेरे साथ तशरीफ लाइए। आखिर हम 10 भाई ही क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम,
ये आप खुद अजीज मिस्र से पूछ लीजिएगा। तशरीफ लाइए। घबराइए मत, आप अपनी गंदुम हासिल करने जाइए, वापसी में आकर इसी दरवाजे पर एक दूसरे से मिल लीजिएगा। इनके जानवरों को उनकी वापसी तक अस्तबल ले जाइए और उनकी देखभाल करें। आइए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां इतनी सख्ती बरती गई और कहां अब इतनी नरमी से पेश आया जा रहा है। आखिर हमें अजीज मिस्र के कसर क्यों ले जाया जा रहा है? वो सख्ती अदम आगाही के बाइस थी जो मामून ने की थी, और ये नरमी उस मेहरबानी और मेहमान नवाजी की बदौलत है जिसका अजीज मिस्र ने हुक्म दिया है। क्या वो सब पर इतने ही मेहरबान है? अहले मिस्र यूजार सीफ की परस्तिश करते हैं, वो सबके साथ ही नहायत मेहरबान है, अलबत्ता सबको कसर में मदू नहीं किया करते, और इसकी वजह बेहतर होगा आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिए, मैं नहीं जानता। देख रही हैं आसनाद, ये दसों मेरे भाई हैं, लेकिन मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रहा। ये फरमा रवाए मिस्र जनाब आखनातून का कसर है, आप पहले कबीले वाले हैं जिनको यहां आने की सआदत मिली है। लेकिन वो जो सबसे आगे आगे मालिक के साथ चल रहे हैं वो लावी हैं, उनका चेहरा खूब अच्छी तरह याद है, मेरे सबसे अच्छे भाई हैं, उन्होंने ही मुझे कत्ल होने से बचाया था। या खुदा, इनके बाल कितने सफेद हो गए हैं। देखा जमाने के सर्द और गर्म ने उनकी क्या हालत कर दी है, और वो जो सबसे आखिर में खड़े हैं वो यहूदा हैं, हर तरफ मशकूक नजरों से देख रहे हैं, वो हमेशा ही मशकूक रहते हैं, वो अभी तक अपनी उसी फितरत पर कायम हैं। ओ मेरे खुदा, ये सब लोग कितने बदल गए हैं। उम्मीद करता हूं कि बिन्यामीन भी उनके साथ ही में हो। उनमें से अक्सर के सर और दाढ़ी के बाल कितने सफेद हो गए हैं। आसनाद, क्या वो भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे? परेशान मत होइए, आप उम्र में सबसे छोटे थे, लिहाजा सबसे ज्यादा तब्दीली आप ही में आई होगी, खासकर इस लिबास में। उम्मीद है ऐसा ही हो। खुदा बंदा,
मैं किस तरह उनके सामने जाऊं? अगर मुझे पहचान लिया तो? घबराए मत, वो आपके भाई हैं नबी खुदा, कुछ भी नहीं होगा। वो भाई जो मेरे कत्ल का इरादा रखते थे और अब भी नहीं मालूम कि वो किन खसलतों के हामिल हैं, और वैसे भी मेरे जहन में उनके लिए एक मंसूबा है, लिहाजा मैं अभी ना पहचाना जाऊं तो बेहतर है। फिर वही मारे मौत। मालूम नहीं इस इस्म में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि जब भी मैं इसे मुतवसल होता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। मैं चंद्रुद्दीन ने अपने पास ही रोकना चाहता हूं। आज कई वर्षों के बाद मैंने इन्हें देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आपके ख्याल में अजीज मिस्र को हमसे क्या काम हो सकता है? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लगता है ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिससे रिहाई अब मुमकिन नहीं। इसके बरक्स मुझे तो नहायत सुकून महसूस हो रहा है, और इनके इरादे भी नापाक मालूम नहीं होते हैं। हुक्म की तामील हो चुकी है, अब क्या हुक्म है? मेरे भाई हमारे मेहमान हैं, कुछ रोज यहाँ कयाम करेंगे। नीमी साहबों से कहिए कि उनके कयाम और तुआम के लिए बेहतरीन एहतमाम करे। जनाब मालिक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो लोग खुश नहीं हैं। वो लोग यहाँ लाए जाने का सबब जानना चाहते हैं। उन्हें बताइए कि अगर अजीज मिस्र के इरादे नेक न होते तो इस वक्त वो यहाँ कसर में न होते। आप बेफिक्र हो जाइए, उन्हें मुतमईन करना मेरा काम है। खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां इस तवील मुसाफत की थकान और खस्तगी दूर हो जाएगी। आखिर हमें यहां क्यों लाया गया है? अजीज मिस्र को भला हमसे क्या काम है? बिलाशुबा जिन्हें सजा देना मकसूद होता है उन्हें कसर में नहीं लाया जाता। अलबत्ता ये कि अजीज मिस्र को आपसे क्या काम है ये तो वो खुद ही बताएंगे। मैं फकत आपकी पजीराई और खिदमत पर मामूर हूं। नीमी साबू, अजीज मिस्र के मसाइब खास आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। जिस चीज की भी जरूरत हो इनसे कह सकते हैं। मैं भी आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि पहले नहा धोकर ताजा दम हो जाइए ताकि सफर की थकान दूर हो सके। आ जाइए। ताज्जुब है, मैं नहीं पहचान पा रहा कि दान कौन है और जाद व अशीर, निफ्ताली और ज़बूनू कौन। ये सब कितने बदल गए हैं। अब आप क्या करेंगे? उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा। जो जुल्म सितम उन्होंने मुझ पर ढाया वो खून के प्यासे दुश्मन भी एक दूसरे पर नहीं ढाते। हक तो यह है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन मैंने उन्हें पक्ष दिया उसी लम्हे जब उन्होंने बतौर गुलाम मुझे फरोख्त किया था। और आपके बाबा याकूब, क्या उन्होंने भी उन्हें बख्श दिया है? नहीं, अगर उन्हें यह पता चल जाए कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया था तो बाबा उनको कभी माफ नहीं करेंगे। खुदावंद उन पर रहम फरमाए, मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। बाबा की नफरत उन्हें बर्बाद कर देगी। मैं भी अगर उनकी जगह होती तो उन्हें इतनी आसानी से कभी माफ ना करती। उनके आराम और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए।
वो हमारे बहुत खास मेहमान हैं। तात आली जनाब। یہ قصر آخناتون خدا اور خدا کے بیٹے کی رہائش گاہ مانی جاتی ہے۔ نہ جانے کس طرح کے لوگ یہاں آنے لگے ہیں، کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان مہمانوں کو جناب یوزار سیف نے بلوایا ہے۔ کتنی رغبت سے کھا رہے ہیں، یقیناً قحط نے کنان میں ایک حشر برپا کیا ہوگا جو یہ لوگ اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں۔ جب ان لوگوں کا بھوک سے یہ حال ہے تو ان کی بیوی بچوں کی کیا حالت ہوگی؟ धूल मट्टी में तुम मटे हुए हो। यहाँ तो मकड़ियों के जाले तने हुए, बिल्कुल मेरे अंदर की तरह एक वीरान तारीख खंडर। तुम सबके नाम मुझे याद है, अलबत्ता कौन सा नाम इस मुजस्मे का है ये भूल चुकी हूँ। कोशिश करती हूँ कि याद कर सकूं कि किसका क्या नाम था। बोरिस, तुम्हारा याद नहीं है। दिया, शगाल अनुबिस, माफ्तू, मुफ्तीस, गेत, हाँ यही नाम थे ना तुम्हारे। मैं यहाँ आया करती थी और एक एक के सामने इबादत किया करती थी। आमोर, अरे हाँ यामान कहाँ है? आखिर ये आमोर कहाँ है? आमूर, तुमने देखा मैंने तुम्हें किस कदर तलाश किया, तब जाकर तुम्हें पाया। पहले जानती थी कि तुम्हारा मुजस्मा काम हुआ करता था। मैं यहाँ आया करती थी
और तुम्हारे घर चक्कर लगाया करती थी। वैसे तुम अभी तक क्यों खड़े हो? क्या तुमने नहीं देखा कि यूसुफ ने तुम्हारे खुदाए अजीम को माबते आमून में किस तरह सनीकू किया? तुम्हें तो यूसुफ के खुदाए अजीम के रूबरू आज ही दिखानी चाहिए, उसके सामने जमीन बोस हो जाना चाहिए। यूसुफ के खुदाए बुजुर्ग को बरतर के हुजूर में तुम्हें जमीन बोस होना चाहिए था। तुम बेजान पत्थर के खुदाओं को जरा शर्म नहीं आती कि यूसुफ के खुदाए अजीम के मद्दे मुकाबल अब भी अपनी खुदाई का दम भरते हो? जब यूसुफ ने सारे बुतों को तोड़ डाला है तो फिर जुलेखा क्यों ना तोड़े? तू गवाह रहना, मैंने अपने खुदाओं को सर निकू कर दिया। यूसुफ कहता था तू हर जगह हाजिर और नाजिर है, तू हर जगह मौजूद है, कोई चीज तुझसे पोशीदा नहीं। बस यूसुफ से कहना कि आप जुलेखा बुतों की परस्तिश नहीं करती। परवरदिगारा, तूने मेरे भाइयों को मुझसे मिलाया, मैं इस बात पर तेरा शुक्र अदा करता हूं। मुझे मेरे बाबा और बिन्यामीन की बहुत याद आ रही है, अब उन्हें भी मुझसे मिला दे। इलाही, हिजर के ये दिन बहुत तवील हो गए हैं, तू फिसल की घड़ियों को नजदीक कर दे। से बातें किया करता था, लेकिन क्या बातें करता था? ये मैं अब भी नहीं जानती। वैसे तू कौन है जो यूजारसीफ यू दीवाना वार तेरी परस्तिश करता है? क्या तू अमूर जैसा खुदा है? मुझे तो यकीन नहीं आता। मैंने तो कभी आमोन के लिए गिरिया नहीं किया, किसी भी खुदा के लिए नहीं, लेकिन मैंने बारहा यूसुफ को तेरे लिए गिरिया करते देखा।
मैंने यूसुफ के लिए बहुत क्रिया किया, लेकिन तेरे लिए कभी नहीं किया। युजासीफ, युजासीफ। यूसुफ, यूसुफ। मिस्र की बड़ी तादाद यूसुफ की एक खुदा की तरह परस्तिश करती है। आखिर तू कौन है जो मिस्रियों का महबूब यूसुफ अपना सर तेरे आस्ताने पर झुकाता है? जुलेखा की तरह बहुत सोने यूसुफ के फिराक में गिरिया किया, लेकिन वो तेरे फिराक में ही गिरिया कुना रहता है। तू यकीनन बहुत अच्छा महबूत होगा, अगर ना यूसुफ जैसा तेरी सताइश न करता और ना ही गिरिया को ना रहता। खुश नसीब यूसुफ की जो तुझ जैसा खुदा रखता है, खुश नसीब तेरे कि तू यूसुफ जैसा बंदा रखता है। मिस्र की एक अशराफजादी ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। बस इतना सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिएगा बानू हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानत नहीं करता। दिल का मामला है और दिल किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को अपने पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क का नाम देना मुनासिब नहीं। क्या आपने कभी इश्क किया है? जी हाँ। कौन है वो? तो यकीनन बहुत हसीन और जमील होगा, तभी तो तेरे होते हुए यूसुफ ने तमाम खूबरू हसीनाओं से बेइतनाई बरती। पता नहीं जिस तरह तू यूसुफ को अपनी बंदगी और राजू न्यास की इजाजत देता है, क्या दूसरों को भी देता है? यूसुफ की तरह पाक सनिष्ठ नहीं हुआ करता ना। क्या गुनाहगारों को भी अपने दरबार में कबूल करता है? क्या उनका दर्द दिल भी सुनता है? यूसुफ तू सब पर मेहरबान है, क्या तू भी ऐसा ही है? नहीं मालूम तू कौन है और क्या है, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकती हूँ यूसुफ का माबूद यकीनन यकताओ बेमिसल होगा। तू यकीनन बेहतरीन और जीबा तरीन होगा, वगरना यूसुफ उसकी परस्तिश ना करता। यूसुफ के खुदा के लिए मैंने भी तेरे लिए गिरिया किया।